बंद, मुर्दाबाद, रील्स बंद, मुर्दाबाद, जगह पाजक, मुर्दाबाद, जगह पाजक, मुर्दाबाद, रील्स बंद, मुर्दाबाद, रील्स बंद, मुर्दाबाद, जगह पाजक, तो मैं एफआईआर कर दूंगा पुलिस के ऊपर, रील्स बंद, मुर्दाबाद, रील्स बंद। तो मेरे दोस्तों एंड भाइयों बहनों, अभी जो है हम पीएन कॉलेज में हैं गौतम पुष्पराज सर के साथ में, प्रिंसिपल सर के साथ में, और इन्होंने जो है अपने छात्र के प्रति इतना पॉजिटिव सोच रखे हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। इसमें जो है देखा जाए तो टीचर का भी कमियां है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय इतना अच्छा सुविधा नहीं था, और अभी हम आए हुए थे सर से आशीर्वाद लेने के लिए, तो अभी कॉलेज का लोकेशन देख के बहुत ज़्यादा हम अचंभव हो गए। और ये देखा गया कि ये सर इतना चेंजिंग किसके वजह से हुआ, तो सर का ही नाम आया, गौतम पुष्पराज। इसके पहले इसके बाद जो है जब सर से हम मिले और जब आशीर्वाद लिए, क्योंकि टीचर डे है कल, इसके पहले हम इसका पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और इसका न्यूज़ क्या है पूरा हम चला देंगे डिटेल्स में। इस वीडियो के बाद जो है आप देख सकते हो इसका शिकायत क्या है, क्या कहना है सर का, कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो भी अनुपस्थित रहते हैं और बहुत सारे उसके बाद भी बहुत सारे टीचर का कमी है। तो इनमें जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो सरकार तक जाए और बहुत ज़्यादा वायरल हो, और जो भी कमी है हमारे पीएन कॉलेज पांसा क्षेत्र में उस चीज़ को पूरा किया जाए, ताकि आप सभी को पढ़ाई से लेकर, सुविधा से लेकर हर चीज़ पूरा हो सके। और तारीफ करेंगे हम इस सर का, गौतम सर का, कि इन्होंने अकेला इतना कर दिखाया, तो इनके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद हैं और आशीर्वाद लेते हैं सर से और चलते हैं। और जितना भी वीडियो क्लिप है आप सब देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, कुछ छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म पर सिग्नेचर करने के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा था बाहर में, क्या मामला था? इसमें क्या था कि 12th क्लास का फॉर्म फिलअप हो रहा था और शिक्षक जो वेरीफाई करने वाले थे वो करने से तैयार नहीं हुए, क्योंकि 75% अटेंडेंस किसी बच्चों का नहीं था। तो बच्चे मेरे पास आए और हंगामा करने लगे, तो मैंने कहा कि 9 तारीख तक आप लोग क्लास कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा आप लोग का। फिर बच्चे हल्ला करने लगे कि नहीं, आज करना पड़ेगा सर, क्योंकि क्लास नहीं हुआ है, टीचर नहीं थे उस समय, बहुत सारे प्रॉब्लम बताए। तो हम बहुत कहे कि उसके बाद आप लोग क्लास करना होगा, अन्यथा एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा FIR करने के लिए, फिर भी उस सब बच्चे मासूम बच्चे हैं, तो बहुत सोचना पड़ा हमको। तो फिर उसके बाद मैंने वेरीफाई कर दिया और सबको फॉर्म फिलअप करा दिया, लेकिन उन लोगों को अस्वाति कहा गया कि आप हर हालत में क्लास करेंगे, अन्यथा नाम एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका आज से डेट शुरू हो रहा है, अगर कल से आप क्लास नहीं आई है करने के लिए, तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है, राजभवन का आदेश है। सवाल बच्चे मान गए? हाँ, बच्चे मान गए। क्लास के लिए सर यहाँ के गार्जियन और छात्रों के लिए आपका क्या संदेश होगा? गार्जियन जो है बहुत खुश है, बच्चे भी खुश हैं, और शिक्षक जो है टाइमली आ रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है और शिक्षक आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, और संख्या बच्चों का आज 300 बच्चे पॉलिटिकल साइंस में क्लास कर रहे थे, 200 बच्चे मैथमेटिक्स क्लास कर रहे थे, हिंदी क्लास में कम से कम 400 बच्चे बैठे हुए थे, मतलब बहुत अच्छा देखा गया। मैंने इकोनॉमिक्स से क्लास लिया अर्थशास्त्र का, तो क्योंकि अर्थशास्त्र में टीचर नहीं है, बच्चे आए तो उनका क्लास लेना पड़ा हमको। तो एक छोटा मोटा जो इंट्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक्स क्या है, एडम स्मिथ का परिभाषा क्या है, मांग का नियम क्या है, ये सब मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दिया मैं बच्चों को। तो यही बात है, बच्चे खुश हैं, बच्चे पढ़ने के लिए एकदम आतुर हैं, पूछ रहे हैं कि प्रिंस टीचर कहाँ है, यूनिवर्सिटी टीचर कहाँ है। सारा प्रोग्राम को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लगा दिया है और अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, तरीका है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है, एकेडमिक माहौल बनने जा रहा है। हस्ताक्षर के लिए टीचर को ऑथराइज किया गया क्या? हाँ, पहले लेकिन वो लोग करने से इनकार कर दिया, इससे जब तक 75% नहीं होगा, आपने तो साइन करा लिया मुझे 75% पे ये अटेंडेंस होना चाहिए,
तो मैं नहीं करूंगा। फिलहाल किनके माध्यम से किया? मैं खुद किया, सबका वेरीफाई मैंने कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब टेंशन ऐसी में थे, लड़ने के मूड में थे, और कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बच्चे बहुत प्रिय हैं मेरे, जानते ही, आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे हमसे मिले जुले रहते हैं, और सब ठीक ठाक है, चल रहा है।